अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स शोएब हियर फ्रॉम effectforever.com। एंड गाइस, आज की इस वीडियो पे हम डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी बताता चलूं कि ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, उनके रिक्वेस्ट पर ये ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है। और वो जो सब्सक्राइबर थे वो हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर थे, उनके जो है हमारे वीडियोज़ पर कमेंट्स आते हैं और वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और इसी वजह से हमने उनके लिए ये वीडियो बनाई है। और उम्मीद करता हूँ उनको ये वीडियो पसंद आएगी और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप लोग भी गाइज इस वीडियो को देख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश करी है कि इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो गाइज, ये हमारी वेबसाइट है effectforever.com, आप इसको डेली विजिट किया करें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप क्लिक करें फॉरेक्स वीडियोज़ इन उर्दू पे, तो यहाँ पर जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो फॉरेक्स का हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और वो भी उर्दू ज़बान में, उर्दू या हिंदी जो भी कह लें वही की बात है। इसके अलावा यहाँ फॉरेक्स टूल्स है, फॉरेक्स टूल्स में आप जाके लाइव मार्केट का चार्ट देख सकते हैं कि इसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, और चाहें तो उसमें इंडिकेटर्स ड्रॉ करके आप मार्केट को एनालाइज भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए भी हेल्पफुल है ये। और यहाँ से इकोनॉमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं, पिप कैलकुलेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरेक्स टूल्स पे जाकर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये फॉरेक्स सिग्नल्स हैं, फॉरेक्स सिग्नल्स पर अगर आप जाएँ तो डेली वन सिग्नल एफएक्स फॉरएवर आपको फ्री देती है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो लास्ट मंथ या लास्ट वीक की रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये स्पेशल ऑफर ज़रूर देखिएगा कि हम क्या क्या स्पेशल ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप गाइस लाजमी सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी ट्रेनिंग वीडियोस यहीं पर अपलोड होती है। इससे जो टेक्निकल एनालिसिस का भी हमारा कोर्स चल रहा है वो इस प्लेलिस्ट पर अपलोड होता है, और यहाँ पर अलहमदुलिल्लाह 11 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, और अभी ये जब मैं अपलोड करूँगा तो 12 हो जाएंगी। सो गाइज, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज डाइवर्जेंस इज एक्चुअली। सो गाइज, डाइवर्जेंस दो तरह की होती हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेयरिश डाइवर्जेंस, और इनके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेगुलर डाइवर्जेंस और एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। ये गाइज, अगर आपने इसको पहले कभी सीखने की कोशिश करी हो कोई वीडियो वॉच करके या फिर कोई आर्टिकल्स इंटरनेट से पढ़कर, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये जो डाइवर्जेंस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको समझना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको अभी अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच करें शुरू से आखिर तक, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाइवर्जेंस से कोई भी डाउट आपके जहन में नहीं रहेगा, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैंने कोशिश करी है, कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं कि आपको मैं इस तरह से स्टेप बाई स्टेप गाइड करूँ एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो। सो गाइस, आगे चलते हैं और बात करते हैं डाइवर्जेंस असल में होता क्या है। गाइस, मैंने डाइवर्जेंस को जो है तीन सिनेरियो में डिवाइड करा है। पहला मैंने सिनेरियो 1 दिया है, सेकंड सिनेरियो 2 है, और थर्ड सिनेरियो 3 है। तो फर्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या कहा है कि आप लोगों ने अगर पतंग उड़ाई हो बचपन में, अगर आप लोग पतंग उड़ाते हैं, मैंने तो खैर नहीं उड़ाई, मैं तो जब भी उड़ाता था गाइस वो फट जाती थी, जो सच बात है खैर, लेकिन अगर आपने बचपन में पतंग उड़ाई हो तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि नॉर्मल डेज़ में जो नॉर्मल आपकी रूटीन होती है एज़ यूजुअल, जब आप देखते हो जब पतंग उड़ाते हो और हवा का प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो ईजिली उड़ जाती है, यानी कि ना ज़्यादा डाउन जाती है ना ज़्यादा अप जाती है, नॉर्मल एक एवरेज पर चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि उस दिन एयर का प्रेशर जो है नॉर्मल है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है, ना उसमें कुछ प्रेशर में ज़्यादा है ना कुछ कमी है, बिल्कुल नॉर्मल एक हवा चल रही है, तो वो पतंग भी आपकी बिल्कुल ठीक चलेगी। तो इस कंडीशन में कि जब हवा बिल्कुल नॉर्मल हो और आपकी पतंग बिल्कुल नॉर्मल उड़ रही हो, तो उसको हम सिनेरियो 1 कहेंगे। अब सिनेरियो 2 में देखते हैं कि सिनेरियो 2 में क्या है। सिनेरियो 2 में ये है कि आपने पतंग उड़ाने लगे, करने वगैरह सब कुछ आपने सही बांधे, यानी कोई भी आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उड़ाने वाले में कोई प्रॉब्लम थी, वही बंदा जिसने पहले पतंग उड़ाई थी वही अभी भी उड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार जो है पतंग बहुत जल्दी जो है हाई गई, बहुत जल्दी उड़ गई। इसकी वजह क्या थी कि आज के दिन जो है हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हवा बहुत तेज़ तरह से चल रही थी, जिसकी वजह से जो है पतंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली और वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई, ठीक है। ये सिनेरियो 2 है कि जिस दिन प्रेशर ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा जो है पतंग हाई गई, तो उसको हमने सिनेरियो 2 कहा। अभी मैं पतंग की मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मार्केट होती है कि जिस दिन मार्केट का प्रेशर ज़्यादा था उस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप गई यानी बाय गई, तो उसको हम कहेंगे सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। तो अब सिनेरियो 3 में ये है कि आपने पतंग उड़ाई, सब कुछ ओके थी, कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन हवा कम चल रही थी, हवा का प्रेशर थोड़ा कम था, इस वजह से जो है पतंग उड़ नहीं पा रही थी और पतंग जो है नीचे गिर गई। तो अब ये जो नीचे पतंग गिरी या मार्केट गिरी, किस वजह से, क्योंकि मार्केट में या हवा में प्रेशर नहीं था, इसको हम कहेंगे सिनेरियो 3। अब ये तीन सिनेरियो मैंने आपको समझाए हैं, अब इसी को हम आगे चल के इंशाल्लाह मार्केट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि इनका मतलब क्या है।
तो अब गाइस बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस, और इनके अंदर भी दो डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है रेगुलर डाइवर्जेंस और एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बुलिश के अंदर दो तरह के डाइवर्जेंस है, एक बुलिश डाइवर्जेंस है जिसे हम रेगुलर डाइवर्जेंस भी कहते हैं और एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अब ये जो ऊपर वाला जो स्टैट्स चल रहा है, ये मार्केट है, जो कैंडल स्टिक्स होती हैं मार्केट की, ये वो चीज़ है। ठीक है, ये मार्केट की कैंडल स्टिक्स हैं और ये नीचे जो है कोई भी एक ऑसिलेटर इंडिकेटर लगा हुआ है। अब हम इसको स्टोकास्टिक कह लेते हैं। अभी जो मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा, मैं उसमें स्टोकास्टिक लगा के आपको समझाऊंगा। बाकी आप RSI वगैरह भी यूज़ करते हैं, जो भी ऑसिलेटर इंडिकेटर हैं, आप अगर उसकी डाइवर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो आप जो है वो इंडिकेटर अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। फिलहाल अभी जो आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा वो RSI होगा। तो अब ये देखें गाइस, ये जो ऊपर है ये मार्केट की कैंडल स्टिक्स हैं, नीचे ये RSI या स्टोकास्टिक या कोई भी ऑसिलेटर इंडिकेटर लगा हुआ है। अब जब ये देखें प्राइस जो है, यहाँ पे जो रेड लाइन लगी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्विंग है इसका, ये डाउन गया है। डाउन जाने के बाद मार्केट अप गई, लेकिन आपने लेनी है एंट्री यहाँ से ताकि जब ये मार्केट अप जाए तो आपको पूरा पूरा प्रॉफिट हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा गाइस कि यहाँ से मार्केट ने अप जाना है? अब इसकी चीज़ बताई गई हमें, इन दोनों का आपस में क्या समझौता होता है, इनका क्या डाइवर्जेंस निकलता है। डाइवर्जेंस होगा तो अब हम एंट्री लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो है आपका स्टोकास्टिक का डबल अप कन्फर्मेशन भी कर देता है कि हाँ भाई मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है या नहीं जाना। ठीक है, अब ये चीज़ देखें, यहाँ से जो कैंडल्स हैं मार्केट की वो डाउन जा रही थी, लेकिन जो ऑसिलेटर था हमारा यानी जो स्टोकास्टिक था वो अप गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था भाई कि जब एक चीज़ जब कैंडल स्टिक डाउन जा रही है, मतलब कि अगर आपने मेरी स्टोकास्टिक की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब अपने कि जब स्टोकास्टिक जो है अपने ओवरबॉट वाले लेवल को, यानी ये वाला जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है ये ओवरबॉट लेवल है, कि जब स्टोकास्टिक अपने ओवरबॉट वाले लेवल पर चली जाती है तो वो वहाँ से रिट्रेस होती है मार्केट। तो और अगर यही चीज़ अगर वो अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आ जाए, अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आ जाए, तो यहाँ से वो रिट्रेस होकर दोबारा जो है बाई चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन ये जो है यहाँ से, मतलब क्योंकि ये ऑसिलेटर का जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल है, यहाँ से जब मार्केट अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आई तो यहाँ से इसको चाहिए था कि भाई ये रिट्रेस होकर दोबारा अप जाए। ठीक है, अब ये अप जा रही है, यानी कि ये ऑसिलेटर हमें क्या बता रहा है कि भाई ये ओवरसोल्ड लेवल से आ गई है, अब रिट्रेस हो रही है, अब जो है मार्केट अप की साइड जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से तो ये डाउन आ गई, यानी कि ये फॉल्स सिग्नल आपके लिए हो गया, ये फॉल्स सिग्नल हुआ, यहाँ से आपको लॉस हो गया। लेकिन आप किस तरह से अपनी कन्फर्मेशन जो है डबल करेंगे, एक अच्छी कन्फर्मेशन के साथ सिग्नल लेंगे, वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये गाइस हिडन डाइवर्जेंस होता है, अगर मतलब कि प्राइस आपको डाउन दिखा रही हो और इंडिकेटर आपको अप दिखा रहा हो तो उसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है, ये सिंपल डाइवर्जेंस होती है। लेकिन अगर आपको प्राइस जो है वो अप दिखा रहा हो और आपका इंडिकेटर जो है वो आपको डाउन दिखा रहा हो तो वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होती है, या फिर आप हिडन डाइवर्जेंस भी कह लें, क्योंकि यही सेम सूरत हाल जो है बेरिश डाइवर्जेंस के साथ भी होती है। अब चलते हैं गाइस बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ। आप गाइस इसको कुछ भी मुश्किल ना समझिएगा, वीडियो दोबारा वॉच कीजिएगा, जितना मैं इजी समझ सकता था कि इजी तरह था आपको समझाया जाए वो मैंने कर लिया है। अब बाकी आप वॉच करें, इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं गाइस, हमारी वेबसाइट पर लाइव चैट है, इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, PM में डायरेक्ट जो है मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, बाकी स्काइप वगैरह भी हमारे पास। तो ये कि आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आती है तो दोबारा वीडियो वॉच करें या तो हम सिंपली हमसे हेल्प ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब बेरिश में क्या है, बेरिश में भी यही है कि भाई आपका ये जो हायर हाई है, ये जो प्राइस है कैंडल स्टिक्स हैं, ये आपको हायर हाई दिखा रही है कि भाई मार्केट यहाँ से अप जा रही है, लेकिन इंडिकेटर जो है इंडिकेटर के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इंडिकेटर कह रहा है कि भाई मार्केट डाउन जाएगी। मतलब कि अब इन दोनों में जब डिफरेंस आएगा कि कैंडल स्टिक्स कुछ और बात कह रही हो, इंडिकेटर कुछ और बात कह रही हो, तो वहाँ से जो है मार्केट डाउन जाने का अंदेशा है। ठीक है, ये बेरिश के बारे में। अगर अप ट्रेंड जा रहा हो मार्केट का, जब अप डायरेक्शन में ये सूरत हाल आए कि आपको कैंडल स्टिक्स कुछ और कह रही हो और आपका जो है ये इंडिकेटर ऑसिलेटर इंडिकेटर कोई और बात कर रहा हो, तो वहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन यही अगर एक डाउन डायरेक्शन में सारा काम हो रहा होता, जैसे कि पिछली हमने एग्जांपल देखी थी बुलिश की, उस डाउन डायरेक्शन में जब ये चीज़ हो तो मार्केट वहाँ से अप जाती है। यही चीज़ इसमें हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में भी है, अगर प्राइस नीचे जा रही हो और इंडिकेटर ऊपर जा रहा हो तो वो होता है भाई हिडन डाइवर्जेंस, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही हो और इंडिकेटर नीचे जा रहा हो तो वो जो है रेगुलर डाइवर्जेंस होता है बेरिश में। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही एक काम की चीज़ है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें गाइस, यहाँ पर जो इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें मार्केट का जो टॉप था, कैंडलस्टिक का टॉप, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट का जो टॉप था वो ये बना था। तो यहाँ पर इंडिकेटर में भी इसके साथ साथ टॉप बना, तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद इससे पहले जो टॉप बना था वो यहाँ बना था, यानी इस वाले टॉप से ये नीचे बना था, तो यहाँ पर भी ठीक है, ये वाला टॉप भी जो है इस वाले टॉप से नीचे बना है, यानी यहाँ तक बिल्कुल ओके चल रही है। जो प्राइस कह रहा है कि भाई ये यूं गई, इंडिकेटर भी कह रहा है कि हाँ भाई ये यूं गई, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो इसका टॉप बना, दूसरा जो टॉप बना, ये टॉप बना है पहले वाले टॉप से ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई तो टॉप ज़ाहिर ऊपर बनेगा। लेकिन इंडिकेटर में क्या हुआ, इंडिकेटर में पहला टॉप बना था यहाँ और दूसरा टॉप बन रहा है नीचे। अगर आप इन दोनों में देखें तो भाई ये टॉप नीचे बन रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टॉप बन रहा है ऊपर। पहला मार्क कैंडल स्टिक यहाँ टॉप पे गई, दूसरी यहाँ पर गई, लेकिन यहाँ पर जो है पहला टॉप ठीक बताया, दूसरा टॉप उसके नीचे बता दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस होगा और यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। यही हम मार्केट में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह आप वीडियो वॉच करें, अभी जो मैं आगे आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ठीक तरह से आपको ये क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद जो है हमें कुछ थैंक यू करना चाहते हैं अपने मेंबर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि उन्होंने कुछ, ये एक्टिव मेंबर्स हैं जिनके हमने नाम लिखे हैं, इनके तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी हर वीडियोस पे इनके कमेंट्स आते हैं, एक अच्छी फीडबैक्स आते हैं, कुछ इनके क्वेश्चन होते हैं, कुछ इनके फीडबैक्स आते हैं, तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब हमें कोई मोटिवेट करता है या कोई हमारे बारे में फीडबैक्स देता है, भले वो बुरी हो या अच्छी हो। और अल्लाह शुक्र है अभी तक कोई बुरी फीडबैक्स आई नहीं है, हर कोई अच्छे ही फीडबैक दे रहा होता है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल होता है तो वो भी कमेंट करके पूछ रहा होता है। तो गाइज़ हमें बड़ा इंतज़ार रहता है कि आप लोग अपने कुछ फीडबैक्स दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और ये वो कुछ मेंबर्स हैं, वो कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, उनमें सबसे पहले जो है मकसूद भाई हैं। मकसूद भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके हमारे वीडियोस पर फीडबैक्स आते हैं। उसके बाद ताहिर सिद्दीकी हैं, ताहिर भाई भी माशाल्लाह सीख रहे हैं हमारी वीडियो से और जो है इनके भी फीडबैक्स हमारी वीडियोज़ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद मोहम्मद शहबाज़ हैं, इनकी भी डिमांड पर हमने वीडियो बनाई है, ये भी माशाल्लाह अच्छे हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनके भी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। उनके बाद जैद भाई हैं, जैद भाई भी जो हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जो है फीडबैक्स देते हैं, तो इसलिए भी इनका नाम हमने यहाँ पर मेंशन करा है। गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आपके भी अच्छे अच्छे हमें फीडबैक्स रिसीव होंगे ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा फ्री स्टफ़ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। सो गाइज़ ये देख सकते हैं मैंने अपना MT4 ओपन करा है, यहाँ पर AUD JPY का चार्ट ये ओपन है और इस AUD JPY पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से डाइवर्जेंस काम करती है। तो गाइज़ ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में हम चेक करते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अब गाइज़ ये देखें, ये लाइव मार्केट है, यहाँ पर हम एक सिग्नल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि एक बुलिश का सिग्नल लें और एक बैरिश का सिग्नल लें। अब यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस देखना है, यहाँ से डाइवर्जेंस हमें फाइंड करना होगा। अभी आपको हो सकता है ना समझ आए क्योंकि आपने पहले कभी डाइवर्जेंस को ट्राई नहीं किया, तो अभी ये कि वीडियो देखें इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिखाए। अब ये देखें डाइवर्जेंस फाइंड किस तरह से करते हैं। अभी मैं एक बाय की एंट्री लेना चाहता हूँ, एक बुलिश की एंट्री लेना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें गाइस, बुलिश की एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपने दो बॉटम फाइंड करने हैं। ऑसिलेटर में इस वक्त में इस हिस्से में दो बॉटम मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बॉटम ये देखें गाइस, ये है, आपको भी दिख रहा होगा, एक बॉटम ये रहा, दूसरा बॉटम ये है। यानी ऑसिलेटर ने ये बोला है कि भाई मार्केट का जो स्कैंडल स्टिक्स थी, जो ऊपर मार्केट चल रही थी, इसका मैक्सिमम जो ओवरसोल्ड लेवल था, यानी जो ये बॉटम लेवल था, वो यहाँ पर था। अब इसी के सीध में अगर हम ऊपर जाएँ, इसी के सीध में अगर ऊपर जाएँ, तो ये वाली बुलिश कैंडल को ये कह रहा है कि ये मार्केट का ये बॉटम था। अब यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने क्रॉस, यहाँ पर इस बॉटम लेवल पर हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब ये लाइन देखें यहाँ पर है और इसी के सीध में देखें तो ये बुलिश इस कैंडल को टारगेट कर रहा है कि ये इसका बॉटम लेवल है। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकंड बॉटम देखते हैं। इस सेकंड बॉटम पे भी एक वर्टिकल लाइन हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें गाइस, यहाँ पे एक सेकंड बॉटम पे भी हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब इसी के सीध में ऊपर चले तो भाई सेकंड बॉटम जो है ऑसिलेटर इंडिकेटर मार्केट का इस लेवल को बता रहा है कि ये जो प्राइस है यहाँ पर इसका सेकेंड बॉटम है। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें कि भाई पहला बॉटम बना यहाँ पर और दूसरा बॉटम जो वो बना वो यहाँ पर बना है, यानी कि दूसरा बॉटम ऊपर बना है इस बॉटम के मुकाबले में। ये बॉटम था इस जगह पर और सेकंड बॉटम जो बना है वो बना है इस जगह पर, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर बना है। और इंडिकेटर में क्या हुआ, इंडिकेटर में भी फिर ऐसे ही होना चाहिए था कि पहला बॉटम नीचे बनता, दूसरा बॉटम थोड़ा ऊपर यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों एक लेवल पर बने हैं। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें यहाँ पर पहला बॉटम बना इस जगह पर, दूसरा बॉटम बना इस जगह पर। तो अब अगर यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए,
कि ये बॉटम बने हैं इस तरह से, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ पर एक बॉटम बना है भाई इस जगह पर, एक बॉटम बना है इस जगह पर, तो इसको भी जो है देखा जाए तो असूलन तो इसको भी ऐसे ही ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसने इंडिकेटर ने कुछ अलग बात कही है, कैंडलस्टिक ने कुछ अलग बात कही है। कैंडलस्टिक ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और इंडिकेटर जो है वो एक ही लेवल पर है, यानी कि नीचे नहीं जा रहा है, या बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आई थिंक रुख है इसका। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर डाइवर्जेंस है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड आया है यहाँ पर, एक स्विंग जो देखेंगे डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद ये इख्तलाफ हुई इन दोनों में, यानी कि कैंडलस्टिक ने कुछ और बात कही, नीचे इंडिकेटर हमारा ऑसिलेटर इंडिकेटर जो था उसने एक अलग बात कही, तो यहाँ से जो है चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए और आप यहाँ से बाई की अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये देखिए वैसे ही गई भी मार्केट, बाई भी गई, अगर आपने यहाँ से एंट्री ले तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको गेन हो। अब उसके बाद चलते हैं गाइस एक बेरिश की एंट्री भी ढूंढते हैं कि एक बेरिश से हम किस तरह से प्रॉफिटेबल सिग्नल एक ले सकते हैं या प्रॉफिटेबल एक एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं बुलिश के लिए, अच्छा बुलिश की एंट्री के लिए आपने दो बॉटम फाइंड करने होते हैं और बैरिश की एंट्री के लिए आपने दो टॉप फाइंड करने होते हैं। अब यहाँ से हम दो टॉप भी देख लेते हैं कि दो टॉप मार्केट के कहाँ पर ऐसे बन रहे हैं जिधर डाइवर्जेंस हो, क्योंकि अब इधर देखें ना यहाँ पर जो एक टॉप बना यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर देखें एक टॉप बना यहाँ पर, तो मार्केट का टॉप बना यहाँ पर, दूसरा टॉप जो है वो बना यहाँ पर यानी इससे नीचे बना, तो यहाँ पर भी जो भाई दूसरा टॉप इसके नीचे बना। तो अब इन दोनों का अगर लेवल चेक करा जाए तो भाई ये यूँ बनी, तो भाई ये भी यूँ बनी, तो इन दोनों में जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया, इन दोनों में कोई भी इख्तलाफ नहीं है, यानी यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। जब यहाँ पर इस तरह का कोई डाइवर्जेंस हो कि मार्केट ऊपर जा रही हो लेकिन ऑसिलेटर इंडिकेटर कुछ और बात कह रहा हो, तो हम जो है फिर वहाँ से बाई की एंट्री अपनी ले सकते हैं, अगर एक ये काम अगर एक डाउन ट्रेंड में होने के बाद होता है तो हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब हम एक बेरिश पे देखते हैं, बेरिश का एक सिग्नल देखते हैं, उसके लिए दो टॉप हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये है कि अब हम एक बेरिश की एंट्री लेने की देखते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी मुझे एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। अब देखें पहले हमने दो बॉटम फाइंड करे थे, अब हमने दो टॉप फाइंड करने हैं। तो भाई पहला टॉप मार्केट ने बताया है, ऑसिलेटर ने मार्केट का पहला टॉप इस लेवल पर बताया है इस पे। ये देखें अब इसी के सीध में ऊपर चले तो इस बेरिश कैंडल को उसने टारगेट करा है और इस बेरिश कैंडल को बताया है कि ये इसका टॉप लेवल था, ठीक है। अब सेकंड टॉप लेवल जो इसने मार्केट का बनाया वो यहाँ पर बनाया, इसका अगर हम यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन छोड़ें तो ये देखें इस बेरिश कैंडल को इसने कहा है कि ये इस बेरिश कैंडल को ऑसिलेटर इंडिकेटर ने मार्केट का टॉप बताया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला टॉप बना है इस जगह पर, ये देखें पहला टॉप बना है भैया इस जगह पर और सेकंड टॉप बनाए इस जगह पर, यानी पहला टॉप नीचे है सेकंड टॉप ऊपर है, और यहाँ पर क्या हुआ पहला टॉप ऊपर बना और सेकंड टॉप नीचे बना। यहाँ पर भी अगर हम इसको स्केल करें एक अलाइन करें तो ये देखें ये गई इस तरह से, और लेकिन ऑसिलेटर जो इंडिकेटर है इसमें ये काम इस तरह से हुआ, तो यहाँ पर भी भाई एक डाइवर्जेंस है और यहाँ से अब मार्केट डाउन जा सकती है। तो ये देखें गाइस यहाँ से मार्केट डाउन गई भी। तो गाइज इस तरह से आप डाइवर्जेंस से एक जो है प्रॉफिटेबल सिग्नल ले सकते हैं और ऑसिलेटर इंडिकेटर के फॉल्स सिग्नल से सेफ रह सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ये मांगती है तो थोड़ी सिंपल लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है थोड़ी सी। गाइज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोशिश करी है कि हर तरह से हर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाए। इसके अलावा अगर आप एक और मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप सेल की एंट्री लेना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने चार्ट पर ड्रॉ करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चैनल पर जाए तो आपको मिल जाएंगी, और मैनुअल पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बना दूंगा। तो अब ये देखें अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ फेक बनाई, मैंने कुछ भी मार्केट नहीं देखा। अभी वैसे ही जो है मैं एक रफ रेजिस्टेंस लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मार्केट जा रही है, अगर मार्केट यहाँ से अब जा रही थी और यहाँ पर अगर आपको डाइवर्जेंस दिख जाता है और डाइवर्जेंस के बाद आपको एक और चीज़ ये दिखती है कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो फिर एक बड़ा कन्फर्म सिग्नल हो जाता है कि हाँ भाई मार्केट ने जो है अप डाउन जाना है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, यहाँ से आपको एक अच्छा परफेक्ट जो है डाउन का सिग्नल मिल सकता है, और अगर यही काम जो है आपके साथ सपोर्ट के लेवल पर हो रहा हो तो आपको एक अच्छा बाय का सिग्नल मिल सकता है। और यही इसी के साथ अगर आप कुछ कैंडल्स यूज़ कर ले तो गाइज यकीन माने इससे कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। आप जाएँ हमारे चैनल पर
कैंडलस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट अपलोड है, वहाँ से कुछ कैंडलस्टिक्स लर्न करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे। स्पिनिंग टॉप्स है, डोजी कैंडल है, ये गाइस ये सीख लें, आपकी समझ लें ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस डाइवर्जेंस के साथ अगर आप उसका इजाफा कर लें कैंडलस्टिक्स का, इनका जो गाइस ये जो इनका कॉम्बिनेशन है बहुत आला कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल आपको एक सिग्नल्स और बहुत प्रॉफिटेबल आपको गाइस जो है ये एंट्री दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने जो है प्रॉफिट्स वगैरह हमारे साथ शेयर करेंगे। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइस आपको फ़ायदा नहीं होगा, और हो सकता है आपको कि शुरू में थोड़ा लॉस हो, कोई ना कोई गलती आप गाइस ज़रूर करते होंगे जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरी सही चीज़ें दिखा रहा होता हूं, आप पीछे जाएं, एक काम करें, आप एक साल का डेटा लें और उसमें चेक करें कि कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी है। तो गाइस याद रखिए, जब भी आप इसके साथ ट्रेड कर रहा हो, अगर आपको कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख जाए इसके साथ तो बहुत अच्छा है, या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ इसको ट्रेड करें। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।